हे गाइस, तो क्या हाल चाल है। आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई, इस मैच में ये होता है कि हमें जाना रहता है जॉर्जपुर, और भाई जॉर्जपुर दूर होने के कारण हमें उतरना पड़ता है हॉस्पिटल के पीछे स्क्वाड हाउस पे। हमारे ही साथ दो बंदे और लैंड करते हैं, जो एक स्क्वाड हाउस के ऊपर लैंड करता है और एक साथ बगल में लैंड करता है। और गाइस, यहाँ पे मुझे लूट के नाम पर एक कट्टा मिलता है। मेरे ऊपर वाला बंदा जो होता है वो शॉटगन से किसी पे फायर कर रहा होता है, तभी मुझे नीचे से किसी के आने के फुटस्टेप सुनाई देते हैं और मैं नीचे सीढ़ियों पे बैठ के टीवीपी लेने लगता हूँ। और ये सामने से बंदा आया, इसको नॉक फिनिश करने के बाद इसका टीममेट जो शॉटगन लेके मुझ पे चढ़ जाता है और मैं शॉटगन के डर से नीचे चला गया। फिर मैं ऊपर आकर एक स्मोक डालता हूँ, जिससे कि सामने वाले बंदे को लगता है कि मैं उसके ऊपर ग्रेनेड कर रहा हूँ, जिससे वो नीचे कूद जाता है। इसी बीच में वो पेटी चेक करता हूँ, पेटी चेक करके मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाते ही मेरे ऊपर फायर होने लगते हैं, जिससे मुझे नीचे आना पड़ता है। और इसी बीच में मेरा टीममेट भी आ जाता है और वो क्या करता है, उस बंदे पे अंदर रश कर देता है, वो नॉक हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, उसको नॉक फिनिश करने के बाद उसको रिवाइव देने के बाद फिर हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक और गाड़ी दिखाई देती है। और हम भी लोग उस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। गाड़ी से उतरते ही उनका पहला बंदा नॉक किया, उसका दूसरा टीममेट बड़ी चालाकी के साथ वो दरवाज़ा तोड़ के भाई ज़मीन के अंदर चला जाता है। उसको भी नॉक फिनिश करने के बाद हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। तभी रोड के किनारे एक बोट दिखाई देता है और भाई बोट का किल किसे नहीं चाहिए। और इस बोट पे अत्याचार करने के बाद हम लोग फिर गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और फिर उसी जगह पे एक और गाड़ी दिखाई देती है। इनका एक टीममेट जो होता है वो घास में लेट जाता है और दूसरा जो गाड़ी लेके जाता है वो पीछे से कवर करता है। घास में लेटे हुए बंदे को नॉक फिनिश करने के बाद मैं तुरंत फटाक से क्या करता हूँ, मैं पीछे वाले बंदे पे रस कर देता हूँ। रस करते टाइम मेरे पे सामने से फायर आता है और मैं कवर में चला जाता हूँ। मैं जैसे ही इसको नॉक करता हूँ, तब तक इसका बंदा मेरे टीममेट को नॉक फिनिश कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉक हुए बंदे पे एक मौली करता हूँ, लेकिन भाई उस मौली का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं आगे बढ़ के एक स्मोक करता हूँ और उस बंदे को फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद पता चलता है कि सामने एक और बंदा है जो टीवीपी ले रहा होता है। इतने में मेरा टीममेट एक मौली खींचता है, जिससे डर के वो पीछे हटता है और भाई वो मेरे से फिट जाता है। और यहाँ से हम जैसे ही गाड़ी लेके जाने वाले होते हैं, तब तक इसका दूसरा बंदा रिकॉल होकर वापस आ जाता है। ये कहीं घास में छुप जाता है।
तो भाई जिसके कारण मुझे एक सामने एक स्मोक करना पड़ता है, स्मोक करते ही ये फायर करता है जिसके कारण मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाती है। इसको भी नॉक फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तब तक मेरे साथ ये घटना हो जाती है। भाई पता नहीं कहाँ से ये बंदा आके मेरे को नॉक कर देता है। तो होता यूँ है कि मेरा टीममेट उसको नॉक फिनिश करने के बाद अब मुझको रिवाइव करने के लिए जैसे ही आता है, तब तक उसका दूसरा टीममेट हम पर रश कर देता है। और मैं जैसे ही रिवाइव होता हूँ तब तक उसका दूसरा टीममेट फिर हमको नॉक कर देता है। मेरा टीममेट उसको नॉक फिनिश करने के बाद मुझको रिवाइव देता है और हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तब तक हमारे साथ फिर ये घटना घट जाती है। भाई साहब ये बंदा हम दोनों लोग को निपटा देता है। हमें हमारा टीममेट रिकॉल करते हैं और हम वहां जाते हैं पूछेंगे कि जहां पे फाइट हो रही होती है। यहां पर आते ही मैं एक बंदे को उजी से नॉक करता हूं और भाई वो नॉक करने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि भाई वो फिर से रिवाइव हो जाता है। वॉच आउट, यहाँ पे फाइट करने के बाद हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं लास्ट बंदों के लिए। Marked a location. जो कहीं पे सांप बने हुए होते हैं जिसमें से एक सांप तो दिखाई दे देता है क्योंकि भाई वो मेरे टीममेट को डस लेता है और उसको फिनिश करने के बाद मैं लास्ट बंदे की तलाश में निकल जाता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद लास्ट बंदा भी दिखाई दे देता है, उसको फिनिश करने के बाद और हमारा यहाँ पे चिकन डिनर हो जाता है। तो गाइस ये था मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर। जो भी गलतियाँ हो, जो भी त्रुटियाँ होगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।